जी सर, थैंक यू वेरी मच. आई ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी आई स्टैंड हियर इन सपोर्ट ऑफ दिस पंचायत राज बिल. सर, एज आई सपोर्ट दिस बिल, देर आर फ्यू क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल गवर्नमेंट. I seek clarifications from the government that I appreciate you are trying to do a lot of good things is what I hear from what you are saying for Jammu and Kashmir. I want to ask pointed questions to this government that the Panchayat Raj was brought in by the late Prime Minister Rajiv Gandhi ji for decentralization of power, which is a good thing. Power must be decentralized. But the question is, Jammu Kashmir today, the people demand two things. One is statehood and one is state elections. Can they give us a timeline and an answer with a date, not just something vague? Because n number of times Shri Amit Shah ji had committed to this house, to the nation and to the people of Jammu Kashmir and Ladakh that they will take elections within the next 1 year. Ek saal sir ho chuka hai, to kya aap bata sakte hai ki aap jo unki statehood ki demand hai wo kab denge, dusri election kab lenge, tarikh चाहिए. वी डोंट वॉन्ट अ वेग आंसर. तीन महीने के अंदर लेंगे वो भी चलेगा. आप तारीख आप नहीं दे सकते, मुझे पता है इलेक्शन कमीशन देगा, लेकिन आप टाइमलाइन तो दे सकते, इतना तो कर सकते आप. उसके बाद सर, इवन लद्दाख इज डिमांडिंग अ लेजिस्लेचर, सो विल दे गिव अ लेजिस्लेशन? दे ऑल्सो डिमांड इट. सो वॉट इज द प्लान ऑफ दिस गवर्नमेंट सर? एंड आई वॉन्ट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन टू दिस गवर्नमेंट दैट ये ओबीसी में करेंगे, अच्छी बात है. We all support it. Maharashtra right now, sir, is going through the most difficult issue of reservations. Bhale Maratha ho, Dhangar ho, Lingayat ho, Muslim ho, hamare VJNT ho. Sir, this government piece by piece meal brings reservation. Iske baad bhi hum log baithne wale fir wo STSC ka bill lene ke liye Jammu Kashmir ka. So what is this government's clear stand on STSC and OBC? Because they are not doing that same. महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है सर, मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, VJNT, बामटाग, टकारी, रामोशी समाज सब मांग रहे. तो इस सरकार का एक नियम जम्मू कश्मीर के लिए पीस बाय पीस मिल लाते हैं और महाराष्ट्र में कुछ निर्णय हो रहा है. सो व्हाई डज दिस गवर्नमेंट एक पॉलिसी देश के लिए लाए जहां ओबीसी हो, STSC, जो भी आरक्षण दे, इस पर क्लियर पूरा सब सब्जेक्ट साथ में लाए तो देश में अच्छे से चर्चा हो सकती है और ये आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. And sir, to give OBC आरक्षण, there is a condition. महाराष्ट्र में भी अभी litigation हो रहा है सर. महाराष्ट्र में जो इनके साथ है अभी भुजबल साहब, उनका ही agitation चल रहा है OBC के लिए अभी. उसमें उन्होंने ट्रिपल टेस्ट का जो इश्यू है सर, I'm sure you are all aware, ट्रिपल टेस्ट में तीन चीज़ें लगती है सर. वन इज़ अ डेडिकेटेड कमीशन टू एग्जामिन द बैकवर्डनेस, टू डिटर्मिन द साइज ऑफ द कोटा, एंड थ्री these reservation combined with SC ST quota should not go over 50%. So ye triple test jo hai iske bare mein is government of Jammu and Kashmir and Ladakh, are they ready with all this? Nahi to yahan se hum pass karke bhejenge, field pe kuch nahi hoga. Kyunki Maharashtra mein 2.5 saal se sir ek election hua hai, na panchayat ka hua hai, na jila parishad ka hua hai, na municipal corporation ka hua hai sir, because all this is all grey. कोई कोर्ट में चला गया है. एंड अ स्टेट लाइक महाराष्ट्र विच नीड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से काम नहीं होते सर. आज नगर सेवक चाहिए, आम आदमी कहाँ जाए, जिला परिषद का मेंबर चाहिए, लेकिन इलेक्शन रुके पड़े हैं महाराष्ट्र में. सो वी डोंट वांट जो महाराष्ट्र में हुआ वो जम्मू कश्मीर में ना हो, इसलिए मैं सिर्फ सुझाव दे रही हूँ. और जैसे आप जम्मू कश्मीर में करेंगे वैसे प्लीज़ महाराष्ट्र में, आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, तीन तीन लोग 200 MLA फिर भी इलेक्शन नहीं हो रहा है. तो मेरी आपको विनती है कि ट्रिपल इंजन, ये आपका ट्रिपल इंजन का जो सरकार है वो इलेक्शन में कुछ करे. इट इज इन द लार्जर इंटरेस्ट. ट्रिपल इंजन का खोखे का सरकार, लेकिन पार्लियामेंट है इसलिए खोखा नहीं कहूंगी. बट आई सीरियसली रिक्वेस्ट दिस गवर्नमेंट फॉर इलेक्शन डे, स्टेटहुड एंड फॉर डिमांड फॉर दिस ट्रिपल टेस्ट. हाउ दे आर गोइंग टू रिजॉल्व, वी सपोर्ट इट, बट विद ऑल दिस सीकिंग दिस क्लैरिफिकेशन सर. थैंक यू. श्री प्रताप राव जाधव जी, ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.